आज हम कक्षा 12वीं की इकाई 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने जा रहे हैं। फलन की परिभाषा, यदि दो चर दिए हो, एक एक्स और दूसरा वाई इस प्रकार से संबंधित हो कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई का एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो वाई को एक्स का फलन कहते हैं और इसे y बराबरी से fx लिखते हैं। वास्तविक जीवन में भी हम कई प्रकार के फलन पढ़ते हैं, जैसे कि वृत्त का जब क्षेत्रफल लिखते हैं हम, तो लिखते हैं a बराबरी से पाई r की घात 2। हम में से सब जानते हैं कि त्रिज्या के बदल जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, जहां पर हम r को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। दूसरा फंक्शन हमने देखा है त्रिकोणमिति अनुपात साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स, ये एक्स के फलन है। मतलब एक्स के मान अगर अलग अलग रखेंगे तो आपको साइन एक्स का मान अलग अलग, कास एक्स का मान अलग अलग और टेन एक्स के मान भी अलग अलग होंगे। फलन एक नियम होता है जो दो समुच्चयों का के मध्य एक संगतता स्थापित करता है। फलन एक नियम होता है जो दो समुच्चयों के मध्य संगतता करेस्पॉन्डेंस स्थापित करता है। एक्स का मान बदलने पर वाई का मान भी बदलता है। प्रतिचित्रण अथवा फलन, यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी नियम अथवा नियम के द्वारा समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंधित किया जाए, तो इस नियम अथवा निर्देश को प्रतिचित्रण अथवा फलन कहते हैं। एफ जबकि ए अग्रेषित हो, बी की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ एफ ए एन ए टू बी को अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे, माना ए तथा बी दो अतिरिक्त समुच्चय है, फलन एफ ए से बी में एक संबंध है। यदि प्रत्येक अवयव ए शामिल कैपिटल ए के लिए अद्वितीय बी शामिल बी का अस्तित्व है, जिससे ए बी शामिल एफ में, तो एफ बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब या जिसको हम इमेज कहते हैं, ए को एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखिए, इसी में प्रतिचित्रण के प्रकार, प्रतिचित्रण के प्रकार में हम देखेंगे तो पहला प्रकार है आच्छादक प्रतिचित्रण, जिसको हम कहते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग। यदि प्रतिचित्रण के सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास में आच्छादक प्रतिचित्रण ये दर्शाया है, इसमें ए 4 से रिलेटेड है, बी 1 से है, सी भी 1 से है, डी हमारे पास इसमें 3 से रिलेटेड है और ई हमारे पास 2 से रिलेटेड है। दूसरा प्रतिचित्रण है अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण या एंटो मैपिंग। यदि किसी प्रतिचित्रण के सह डोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे है जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, कहे के सह डोमेन मतलब दूसरे समुच्चय में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ जेड दिख रहा है, तो इस प्रतिचित्रण को हम अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। अर्थात यदि कोई प्रतिचित्रण आच्छादक है तो वह अंतःक्षेपी नहीं होगा, और यदि वह अंतःक्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा। तीसरे प्रकार का प्रतिचित्रण है एकैकी प्रतिचित्रण, वन वन मैपिंग। यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक अवयव यदि हो, तब हम उसको कहते हैं एकैकी प्रतिचित्रण। तो यह एकैकी प्रतिचित्रण कहलाएगा। जैसे यहाँ 3 का एकमात्र अवयव बी है, 5 का ए है, 8 का सी है और 9 का डी है।
चौथे प्रकार के प्रतिचित्रण को अगर हम देखें तो चौथा प्रतिचित्रण है हमारे पास, जिसको हम कहते बहुएक प्रतिचित्रण। ये जो बहुएक प्रतिचित्रण है, यदि किसी प्रतिचित्रण में दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है चार का एक अवयव इधर पाँच है और छः का भी वही अवयव पाँच है, तो कहने का मतलब कि चार के ये दोनों के दोनों अवयव, चार और छः के दोनों का एक ही प्रतिबिंब पाँच दिखाई दे रहा है, बाकी सात के लिए आठ, नौ के लिए एक। तो यदि किसी प्रतिचित्रण में दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही हो अवयव हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को बहुएक प्रतिचित्रण कहते हैं। पांचवा है अचर प्रतिचित्रण। यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को अचर प्रतिचित्रण कहते हैं। अचर प्रतिचित्रण ध्यान से देखो, ए बी सी और डी का एक ही अवयव प्रतिबिंब है, एक दो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, ए बी सी डी चारों का एक ही प्रतिबिंब है। यदि डोमेन के समस्त अवयव का प्रतिबिंब एक ही हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम अचर कहेंगे। एकेकी अंताक्षेपी प्रतिचित्रण, यदि कोई प्रतिचित्रण अंताक्षेपी भी हो, मतलब एक अवयव उसका छूटे, एकेकी भी हो, प्रत्येक बाईं ओर के अवयव के लिए सेपरेट अवयव हो, तो अंताक्षेपी भी हो एकेकी भी हो तो हम उसको एकेकी अंताक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। सातवां देखेंगे, सातवां हमारे पास है एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण। वन वन ऑन टू और आर बाइजेक्टिव मैपिंग। यदि कोई प्रतिचित्रण एकेकी भी हो, यानी प्रत्येक का एक से एक का रिलेशन हो, तथा आच्छादक भी हो, मतलब कोई भी अवयव दाहिनी ओर का छूटे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। बहुएक अंताक्षेपी प्रतिचित्रण क्या कहेंगे, मेनी वन एंड टू मैपिंग। यदि कोई प्रतिचित्रण बहुएक भी हो और अंताक्षेपी भी हो तो उसे हम बहुएक अंताक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। ए का बी का और सी का एक ही प्रतिबिंब एक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यह बहुएक भी है। साथ ही साथ हम पाते हैं कि दाहिनी ओर के अवयव छूट भी रहे, तो यह अंताक्षेपी भी हुआ। यदि कोई प्रतिचित्रण बहुएक भी है और अंताक्षेपी भी है तो हम इसको बहुएक अंताक्षेपी प्रतिचित्रण कहेंगे। आइए नौवा देखें हम। नौवा हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई प्रतिचित्रण जिसको हम कहते हैं बहुएक आच्छादक, यदि कोई प्रतिचित्रण बहुएक भी है और आच्छादक भी हो तो उसे हम बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे ए से बी के रिलेशन में हम देखें, ए में अवयव हमारे पास है एक दो तीन और इन तीनों का एक ही अवयव छः है, मतलब ये बहुएक की श्रेणी में आ गया। साथ ही साथ दाहिनी तरफ के अवयव तीनों छः सात आठ को देखें तो कोई भी अवयव बाईं ओर से रिलेटेड नहीं हो, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुएक भी है और आच्छादक भी है, इसलिए हम इसको कहते हैं बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण। तो आज कक्षा बारहवीं में के लिए इतना ही, शेष अपन आगे पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।